हेलो जी, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ सानिया परवीन और आप देख रहे हैं सानिया फूड जंक्शन। तो आइए इस लाजवाब से रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी, मटन करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 1 kg मटन, जो कि इसके अंदर फैट भी शामिल है। मैंने यहाँ पे जो है वो चॉप्स वाली पीसेस लिए हैं, आपको जो भी पसंद हो वो ले लें। सबसे पहले मैंने चूल्हे पे रख दिए यहाँ पे एक कुकर और उसमें डालेंगे 1/4 कप सरसों का तेल। और मेक श्योर करें कि आप सरसों का तेल ही डालें, क्योंकि इससे जो है मटन में काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसी के साथ स्पाइसेस चाहिए 1/4 टीस्पून ज़ीरा, 1 इंच के दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, 2 तेज़पात, 4 से 5 छोटी इलायची यानी कि हरी इलायची, 8 से 10 लौंग, 1/4 टीस्पून जावित्री, 1/2 टीस्पून काली मिर्च के दाने, 1 बड़ा चम्मच सूखी लाल मिर्चें जिसे हमने ऐसे तोड़ लिए हैं। अब जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम दालचीनी के टुकड़े डालेंगे। बड़ी इलायची को आप इस तरह से खोल सकते हैं, मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। तेज़पात डालेंगे, हरी इलायची, लौंग, जावित्री और काली मिर्च के दाने, इन सब को डाल के हम 12 से 15 सेकेंड के लिए सॉटे करेंगे और लाल मिर्च और जीरा को अभी नहीं डालेंगे। 12 से 15 सेकेंड सॉटे करने के बाद इसमें हम जीरा के दाने, सूखी लाल मिर्च, इसे भी डाल के हम 2 से 4 सेकेंड के लिए सॉटे कर लेंगे। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 कप बारीक कटी हुई प्याज, इसे भी हम डाल देंगे और इसे हम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए, प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें हम मटन डालेंगे। अब इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। दो मिनट हो चुके हैं, मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 से 2 खाने का चम्मच नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। 2 से 3 खाने का चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और वापस से इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। 3 मिनट के बाद इसे हम ढक्कन डालेंगे और ढक्कन डाल के कम से कम इसे हम 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे। और इसी के साथ स्पाइसेस को जो है हम अभी रेडी रख लेंगे। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, इन सबको एक साइड में रखेंगे और 10 मिनट के बाद इसे हम मटन में शामिल करेंगे। तो यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं, मटन को हम अच्छे से चला लेते हैं और अब जो है इन स्पाइसेस को इसमें हम शामिल करते हैं। इसी के साथ हमने बारीक कटे हुए 2 कप रखे हैं प्याज, इसे भी हम अभी डाल देंगे। और नमक जो है हमने स्टार्टिंग में ही डाल दिए थे, तो अभी हम नमक नहीं डालेंगे। इसे 4 से 5 मिनट फिर से अच्छे से चलाएंगे और भून लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। यहाँ पे जो है हम अलग से कोई भी पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि प्याज और मटन जो है वो खुद ही अपना पानी छोड़ेगी। और यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं, अब मीडियम टू लो फ्लेम पे ढक्कन डाल के इसे हम कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए कुक करेंगे, या फिर जब तक मटन जो है काफ़ी अच्छे से गल ना जाए। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं और मटन जो है लो फ्लेम पे काफ़ी अच्छे से भुन चुकी हैं। अभी तक मटन में मैंने कोई भी अलग से पानी नहीं डाला है, ये मटन और प्याज खुद ही अपना पानी छोड़ रही है और उसी में ये कुक भी हो रही है। और यहाँ पर जब मैंने चेक किया तो मटन अच्छे से अभी नहीं गली हुई थी, बस अच्छे से भुन गई हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करती है आपके मटन पे, अगर आपके मटन यहाँ पे गल गए हैं तो फिर आप ग्रेवी जितने चाहिए उतने पानी डाल दें और 4 से 5 मिनट तक उबाल आने दें, फिर आपकी मटन रेडी हो जाएगी। यहाँ पे जो है हमारे मटन तो भुन चुकी थी लेकिन अभी गली नहीं थी, तो इसमें मैंने 2 कप पानी डाल दिए
या फिर जितने भी आपको ग्रेवी की ज़रूरत है। आखिर में जो है मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून लिए हैं गरम मसाला पाउडर, इसे ऊपर से हम इस तरह से छिड़क देंगे और ढक्कन डाल के मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे एक उबाल आने देंगे। जब अच्छे से एक उबाल आ जाए, इस तरह से बॉयल होने लगे, तो अब हम प्रेशर कुक करेंगे इसे, 1 से 2 सीटी लगवाएंगे। मैं यहाँ पे 2 सीटी लगवा रही हूँ। अगर आपके मटन कुक हो चुके हैं तो फिर आप सीटी नहीं लगवाएं, या फिर 1 सीटी लगवाएं और वापस से उसे खोल के चेक कर लें, मटन गल गई है तो फिर डन है आपकी मटन, वरना फिर 2-3 और सीटी लगवा लें। दो सीटी पूरी हो चुकी है और यहाँ पे जो है मटन भी अच्छे से कुक हो चुके होंगे। मैं इसे खोल लेती हूँ। मसाला देखिए कितने अच्छे से रोगन आ चुकी है इसके ऊपर, और मैं यहाँ पे अभी चेक भी कर लेती हूँ। काफ़ी इस वक्त मटन गर्म है, काफ़ी सहूलियत से इसे निकालें, और ये देखिए कितने अच्छे से मटन बिल्कुल डन हो चुकी है, गल चुकी है यहाँ पे। और ये देखें ग्रेवी भी कितनी अच्छी सी बनी है। अब मैं इसे फटाफट से सर्व कर लेती हूँ। तो जी ये रेडी हो गई बिना नींबू के, बिना दही के, बिना टमाटर के लाजवाब सी मटन करी। इसे खाएं रोटी के साथ, चावल के साथ, और मुझे फीडबैक ज़रूर दें। आप ये रेसिपी कब ट्राई कर रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। शेयर करने जा रही हूँ बगरा ईद स्पेशल में रेस्टोरेंट स्टाइल मटन फ्राइड चॉप्स की रेसिपी। ये फ्राइड चॉप्स काफ़ी ज़्यादा यम्मी, काफ़ी ज़्यादा लजीज और बिल्कुल माउच वाटरिंग बन के तैयार होती है, और बहुत ही कम वक्त में, बहुत ही इजी वे में, और घर के बेसिक मसालों से हम इसे बनाकर तैयार करेंगे और ये बहुत ही यम्मी से बन के तैयार होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मटन चॉप्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चॉप्स के पीसेस ले लिए हैं जो कि 700 ग्राम है। बेहतर कि आप चॉप्स के पीसेस लें, अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल पीसेस भी ले सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी प्रेशर कुकर का, जिसमें हमारे मटन काफ़ी जल्दी गल सकते हैं। तो मैंने इसमें डाल दिए हैं 1 चाय का चम्मच लहसुन की पेस्ट, 1/2 चाय का चम्मच अदरक की पेस्ट, 1 खाने का चम्मच पिसी हुई हरी मिर्च की पेस्ट, और 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने बारीकली काट कर डाल दिए हैं। साथ ही 1 खाने का चम्मच नमक डालेंगे और 1 ग्लास पानी डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर सकते हैं, और हरी मिर्च को आप अपने स्पाइस लेवल के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे मिक्स किया। अब प्रेशर कुक करेंगे इसे हम 2 से 3 सीटी के लिए। तो जब तक हमारे मटन कुक हो रहे हैं, हम मटन चॉप्स के लिए मसाले रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बोल में डाले 1/3 कप दही, साथ ही 3 खाने का चम्मच मैदा, 2 खाने का चम्मच भुना हुआ बेसन, यानी कि मैंने इसे हल्का सा रोस्ट कर लिया है तवे पे, और 1 खाने का चम्मच नींबू का रस डालेंगे, 1 चाय का चम्मच डालेंगे कुटी हुई धनिया, और 1/2 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 3 से 4 ड्रॉप डालेंगे हम रेड और ऑरेंज फूड कलर के, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें हम सॉल्ट शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून, क्योंकि हमने मटन में भी सॉल्ट डाले हैं तो इसमें कम ही डालें। 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 बड़े खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन और मैदे से चॉप्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रंचीनेस आता है, तो आप इसे ज़रूर से डालें। मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे चेक कर ले रही हूँ अपने मटन को, जो कि 3 सीटी दे चुकी है, और यहाँ पे आप चेक करें अगर आपके मटन कुक हुए हैं तो फिर रेडी है, वरना थोड़ा सा और सीटी लगवा लें।
तो जब मैंने इसे चेक करा, ये देखिए, तो हमारे मटन बिल्कुल अच्छे से टेंडर हो चुकी है। बेसिकली जो है हमें इसे 95% कुक कर लेने हैं, बाकी के 5% वो फ्राइंग में कुक हो जाएंगी। तो इसे हम इस तरह से उठाकर इसे हम मसाले में डालेंगे, और जो ग्रेवी बच गई है यानी कि यखनी, आप चाहें तो उसमें राइस बना लें या फिर मटन स्टॉक बना लें या फिर मटन के साथ ही उसे सुखा लें। तो मैंने बस इसे ऐसे ही यूज़ करा, उसको मैं राइस में यूज़ कर लूँगी। तो इसे मैं अच्छे से अब मटन के मसाले में अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि हर तरफ मसालों की कोटिंग बराबर से हो पाए। तो अब ये रेडी है। अब राइट अवे ही मैंने यहाँ पे ले ली है कढ़ाई में काफ़ी सारा सरसों का ऑयल, जो कि 5 मिनट से मीडियम हाई फ्लेम पे गर्म हो रही थी। तो अब मैं इसमें मटन के पीसेस को 4-5 पीसेस को ऐसे डाल दूँगी और बस मीडियम हाई फ्लेम पे इसे हम फ्राई कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो मटन है काफ़ी अच्छे से पहले से ही गल चुकी है। तो बस हमें ऊपर के मसाले को कुक करना है। सो 2 से 3 मिनट के लिए एक तरफ़ से हम फ्राई करेंगे और फिर वापस से 2 से 3 मिनट के लिए दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे। और ये देखिए, बिल्कुल 6 मिनट के बाद हमारी ऊपर से काफ़ी सारी क्रंचीनेस चॉप्स के ऊपर आ चुकी है। तो अब इसे हम डिश आउट कर लेंगे। और बाकी के मटन चॉप्स को जो बच गई है उसे भी हम सेम प्रोसेस से ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो ये वाली बैच भी हमारी मटन चॉप्स के बिल्कुल रेडी है, और इसके ऊपर देखिए कितनी अच्छी सी कलर्स आ गई है। तो मैंने इसे सर्व कर लिए हैं और गर्मा गर्म इसे हम राइट अवे सर्व करेंगे। और इसके ऊपर मैंने थोड़े से अनियंस और धनिया की पत्तियाँ सर्व किए। तो थी ना ये बहुत ही इजी और मज़ेदार सी रेसिपी और घर के बेसिक मसालों से। और ये देखिए हमारे मटन कितने अच्छे से टेंडर और कुक हुए हैं, बिल्कुल हाथ से ऐसे करने पे ये बिल्कुल घुल जा रही है। तो व्यूअर्स, कब ट्राई कर रहे हैं आप ये मज़ेदार सी रेसिपी? अगर से आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको फ़ौरन से मिले। बनाने वाले हैं तंदूरी मटन चॉप्स, जिसे हम बिना तंदूर के बनाएंगे और ये बहुत ही यम्मी से बहुत ही लाजवाब से बनके तैयार होते हैं। इसके एक एक पीसेज में आपको तंदूर का कूट कूट कर फ्लेवर मिलेगा। तो आए इस लाजवाब से तंदूरी मटन चॉप्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चले स्टार्ट करते हैं। तंदूरी मटन चॉप्स बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ले लिए हैं 500 ग्राम चॉप्स की पीसेस। आप चाहें तो कोई से भी पीसेस ले सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप चॉप्स की पीसेस लें। अच्छे से वॉश करने के बाद एक चूल्हे पर रखेंगे भगोना और उसमें डाल देंगे हम अपने मटन को, और साथ ही एक मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने इस तरह से बारीक चॉप्ड कर लिए हैं चॉपर में, उसे भी डाल देंगे। और यहाँ पे 1 खाने का चम्मच है अदरक लहसुन की पेस्ट, 1 खाने का चम्मच नमक या फिर आप हसब ज़रूरत लें, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 2 खाने का चम्मच रिफाइंड का ऑयल, 1 बड़े गिलास पानी डालेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे ढक्कन डाल के इसे हम 50-55 मिनट के लिए कुक करेंगे, या फिर इतना कि जब तक आपका मटन बिल्कुल टेंडर ना हो जाए, गल ना जाए। बस हमें मटन को 95% कुक करने हैं, या फिर आप कुकर में सीटी भी लगवा सकते हैं 2 से 3 सीटी के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो जब तक हमारे मटन कुक हो रहे हैं, हम यहाँ पे तंदूरी मटन चॉप्स मसाला रेडी कर लेते हैं। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 1 बोल, सारे मसाले को एक जगह रख लिए हैं। और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1/2 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इसे आप ज़रूर से लें क्योंकि मटन चॉप्स में इसकी कलर बहुत इन्हेंस होती है, 1/2 चाय का चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चाय का चम्मच काली मिर्च की पाउडर, 1 खाने का चम्मच नमक या फिर हसब ज़रूरत लें, और यह है कुटी हुई जायफल 1/4 जायफल को मैंने इस तरह से फ्रेशली अभी अभी कूटा है, इसे भी हम डाल देंगे, 1 बड़े खाने का चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, साथ ही 1/2 कप ले लेंगे अच्छे से मिक्स की हुई फेटी हुई दही, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और आखिर में शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच तंदूरी मसाला पाउडर। मैं सान का यूज़ करी हूँ, इट्स ऑप्शनल, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ये इसे डालें वरना स्किप कर दें, और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे आपको अगर बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप से तंदूरी मटन चॉप्स बनाने हैं तो आप इसमें फूड कलर ज़रूर से डालें वरना स्किप कर दें। तो मैंने यहाँ पे 1/8 टीस्पून ले लिए हैं फूड कलर, ऑरेंज और रेड दोनों। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये रेडी है,
और यहाँ पे 55 मिनट हो चुके हैं, हमारे मटन चॉप्स बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं, लेकिन इसमें काफ़ी सारी अभी ग्रेवी है, तो हम फ्लेम को हाई करेंगे और ग्रेवी को सुखा लेंगे। और अगर आप इसे कुकर में सीटी लगवाए हैं तो आप उसे चेक कर लें, अगर मटन गल चुके हैं तो फिर डन है, वरना थोड़ा और कुक करें और इसकी ग्रेवी को सुखा लें। तो ये देखिए 5 मिनट हाई फ्लेम पे मैंने अच्छे से मटन को बिल्कुल चला चला कर भून लिया है और इसकी ग्रेवी बिल्कुल अच्छे से सूख चुकी है। बस इसे हम साइड करेंगे और वापस से आ जाते हैं, जो हमने अभी अभी तंदूरी मटन चॉप्स मसाले रेडी किए हैं उसमें हम सारे मटन को डाल देंगे और इन सबको हम वापस से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब इसे ढक के हम आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। आधे घंटे हो चुके हैं, अब हम चूल्हे पे रखेंगे एक कढ़ाई और 1 से 2 खाने का चम्मच कोई सा भी हम वेजिटेबल ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसके ऊपर हम बारी बारी करके मटन के पीसेस रख देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे कम से कम 5 मिनट के लिए कुक करेंगे, क्योंकि हमारे मटन के पीसेस तो बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुके हैं, सिर्फ हमें मसाले कुक करने हैं। तो बचे हुए मसाले को मैंने मटन के ऊपर रख दिया और ढक के मैं 5 मिनट के बाद मिलती हूँ। तो 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसकी साइडें मैं चेंज कर दे रही हूँ। और इस साइड में भी हम अगेन 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ढक के कुक कर लेंगे। तो व्यूवर्स, अगेन 5 मिनट हो चुके हैं, अब यहाँ पे आप ये चेक कर लें कि आपके मटन के कोई पीसेस में अगर मसाले थोड़े कच्चे रह गए हैं तो आप उसे दोबारा कुक करें, वरना हटा लें। तो अब हम मटन में तंदूरी फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पे 2 कोयले को गर्म कर रही हूँ और इस गर्मा गर्म चॉप्स में हम एल्युमिनियम फॉल की कटोरी डालेंगे और इस कोयले को डालेंगे। ऊपर से हम थोड़ा सा रिफाइंड का ऑयल डालेंगे ताकि ये और धुएँ देने लगे और ढक के इसे हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और यहाँ पे हमारी चूल्हे बंद है, मैं बस आप लोग को ऐसे दिखा रही हूँ। तो बस इसे हम 5 मिनट के बाद खोल लेंगे, कोयले को निकालेंगे और गर्मा गर्म इसे जल्दी से सर्व करेंगे और इसके ऊपर से थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ डालेंगे, अनियन डालेंगे और आप चाहें तो इसके ऊपर चाट मसाला डाल लें, नींबू डाल लें और राइट अवे ऐसे ही इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो तैयार है हमारी ये लाजवाब सी तंदूरी मटन चॉप्स। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस बकरीद आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और मुझे फीडबैक ज़रूर दें। अगर से आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजस्थानी लाल मांस बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मटन, तो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 1/2 kg मटन और बेहतर हो कि आप इसमें पाइप वाली यानी कि जो नली वाली पीस होती है वो लें। साथ ही हम इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढकेंगे और रूम टेम्परेचर पर 1 घंटे के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट हमें चाहिए 20 से 25 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च और 4 लकड़ी मैंने ले लिए हैं रतन जोत के। अब ये मैंने क्यों लिए वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तब तक हम जो कश्मीरी लाल मिर्च है उसकी हम प्रिपरेशन कर लेते हैं। अब ये देखें, इस रेसिपी की मेन इंग्रेडिएंट है मिर्च, लेकिन ऐसा वैसा कोई भी मिर्च नहीं, सिर्फ और सिर्फ मथानिया मिर्च, लेकिन वो हर जगह मिलती नहीं है ईजिली, तो इसलिए मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए यहाँ पर यूज़ करा कश्मीरी लाल मिर्च। और ये कश्मीरी लाल मिर्च ऐसी होती है कि ये सिर्फ कलर देती है बिल्कुल रेड कलर की, तीखी जरा भी नहीं होती है, तो इसलिए मैंने इतना ज़्यादा यूज़ करा। लेकिन फिर भी मैंने इसके सीड्स को इस तरह से बीज से कट करके सीड्स को मैंने सारे रिमूव कर लिए और इसीलिए मैंने रतन जोत की लकड़ी को यूज़ करा, क्योंकि मथानिया मिर्च की कंपेयर हम इस मिर्च से बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट में भी अच्छी होती है और कलर्स में उससे भी कहीं ज़्यादा। तो इसलिए मैंने दोनों को यूज़ करा और बस हम इसकी सीड्स को रिमूव कर लेंगे और उसे एक बोल में निकाल लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपकी मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी है तो एक तो आप पहले कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करें, कोई भी ऐसी घर वाली मिर्च नहीं यूज़ करें, और उसे आप पहले गर्म पानी में बॉयल कर लें और उसके बाद उसकी सीड्स को रिमूव करके उसे पीस लें।
इस रेसिपी की दो मेन कंडीशन है। पहला, हमें लाल मांस वाला टेस्ट चाहिए जो कि हमें इस मिर्च को पीस कर एक अच्छे पेस्ट बनाने हैं ताकि ये अच्छा फ्लेवर दें। और रतन जोत की लकड़ी कितनी हाई क्वालिटी में अपना कलर छोड़ती है वो मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। तो इसलिए जब हम दोनों चीज़ों को कम्बाइन करेंगे तो हमें मथानिया मिर्च वाला टेस्ट आ जाएगा। और रतन जोत की लकड़ी बहुत ही ईजिली हर जगह मिल जाती है। रतन जोत के लिए सबसे पहले हम एक छोटे पैन में डालेंगे 2 टेबलस्पून रिफाइंड का ऑयल और उसमें रतन जोत की लकड़ी को डाल देंगे। यहाँ पे मैंने पूरे 4 इंच के रतन जोत की लकड़ी यूज़ करा। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और बिल्कुल 1 मिनट के लिए इसे हम गैस पे रखेंगे और फिर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और ये देखें, ये कितनी जल्दी आसानी से बहुत 2 मिनट में बिल्कुल ये अपना कलर छोड़ दी। थोड़ा और क्लियरली दिखाने के लिए मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया वाइट बोल में और ये देखें कितनी ज़्यादा रेड है ना। अगर आप फूड कलर यूज़ करेंगे तो इतनी ज़्यादा अच्छी कलर आपको फूड कलर में नहीं आ पाएगी जितनी कि रतन जोत की लकड़ी में होती है। तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं कुकिंग। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कुकर और उसमें डालेंगे 4 से 5 खाने का चम्मच रिफाइंड का ऑयल और साथ ही 2 खाने का चम्मच इसमें हम डालेंगे घी। घी से काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे मटन में। और जबकि मैंने साथ में मटन में बहुत सारा फैट ले लिया है लेकिन फिर भी घी हम इसमें डालेंगे। साथ ही 2 से 3 डालेंगे तेजपात, 2 बड़ी इलायची यानी कि ब्लैक कार्डमम और 4 से 5 लौंग डालेंगे। हल्का सा इसे 15 से 20 सेकेंड के लिए हाई फ्लेम पे सॉटे कर लेंगे। और साथ ही मैंने इसमें पतले स्लाइस में कटे हुए डाल दिए हैं अनियन। माफ़ कीजिएगा, जब मैं अनियन शामिल कर रही थी तो उस वक्त मेरी कैमरे रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो बस इसे हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ट्रांसलूसेंट होने तक इसे कुक करेंगे। हमें इसे बिल्कुल ब्राउन नहीं करने हैं। 2 मिनट के बाद जिंजर गार्लिक से मैरिनेट हुए हम मटन को डालेंगे और मीडियम हाई फ्लेम पे इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए हल्का सा तल लेंगे। चार मिनट हो चुके हैं। अब जो हमने कश्मीरी लाल मिर्च को पीस कर एक अच्छा पेस्ट बनाए थे उसे हम डाल लेंगे। आप इसकी जगह पाउडर बिल्कुल भी नहीं यूज़ करें क्योंकि उससे हमारे मटन में फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं आएगा और आपका मटन रेगुलर की तरह बन जाएगा। और साथ ही मैंने इसमें रतन जोत की लकड़ी से जो जूसेस निकाले थे कलर्स के उसे हम डाल देंगे। और साथ ही मैंने इसमें 2 टेबलस्पून और पानी डाल के इसे भी निकाल लिया। साथ ही हम इसमें डालेंगे हर्ब जायका नमक, मैं यहाँ पे 1 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। और हाई फ्लेम पे इसे हम 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। और 5 मिनट के बाद इसमें हम डालेंगे 1 ग्लास पानी। अच्छे से चलाकर इसे ढक्कन डाल के हम प्रेशर कुक करेंगे 2 से 3 सीटी के लिए, या फिर आप अपने मटन को देख लें उसी के अकॉर्डिंग सीटी लगवाएं। और अगर आप इसे पॉट में बना रहे हैं तो 40 से 45 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे कुक करें। और कुकर के लिए हमारी फ्लेम होनी चाहिए वो मीडियम लो होनी चाहिए। तो उसी तरह से हम सेट कर देंगे अपने चूल्हे को। तो जब तक हमारा मटन कुक हो रहा है हम बाकी की चीज़ें रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ले लिए है 1 कप खट्टी दही और उसमें शामिल करेंगे हम 2 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च की पाउडर, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/2 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन सबको डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसे अब हम साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुक कर लिया है लो फ्लेम पे 3 सीटी। अब इसे हम खोलकर चेक कर लेते हैं कि हमारा मटन गला है या नहीं। और ये देखिए, इसके ऊपर कितनी अच्छी सी कलर आ गई है और मसाला से इसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर बता नहीं सकती हूँ। मुझे खुद ताजुब हो रहा था कि मैंने इसमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स डाले और उसी से ये इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू कैसे दे रही है। तो यहाँ पर मैंने चेक कर लिया, मेरा मटन अच्छे से गल चुका था। और साथ ही जो हमने दही का मिक्सर रेडी किया था उसे भी हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक और फ़ायदे है दही डालने के, वो आप ज़रूर से डालें। एक तो ये फ्लेवर को और भी ज़्यादा इन्हांस करेगी और दूसरा ये तीखापन को भी काटती है। तो इसे हम 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे और भी भून लेंगे ताकि मसाले भी अच्छे से इसमें कुक हो जाएं।
और बस साथ ही हम इसमें 5 मिनट के लिए और लो फ्लेम पे हल्का सा दम दे देंगे और बस ये रेडी हो गई हमारी राजस्थानी लाल मांस। इसकी खुशबू से मेरा पूरा घर इतनी अच्छे से महक उठा था कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मैं बाकी के मटन में इतने सारे मसाले डालती हूँ, लेकिन इसमें मैंने इतने कम मसाले यूज़ किए और फिर भी इसकी फ्लेवर माशाल्लाह से एकदम वल्ला थी। तो बस मैंने इसे सर्व कर दिया एक बोल में और बस ये रेडी हो गई हमारी आज की राजस्थानी लाल मांस की रेसिपी। तो व्यूअर्स, इस बकराईद आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आप अपनी रेसिपी की पिक्चर सेंड कर सकते हैं मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सानिया फूड जैक्सन। और अगर से आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे हमें आगे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। इसे शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड के साथ, अपने क्लोजेस्ट वन के साथ, ताकि इस बकराईद वो भी इस रेसिपी का लुत्फ उठा सके। बटर मटन टिक्का बोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 300 ग्राम ले लिए हैं मटन के छोटे छोटे से पीसेस जो कि बोनलेस हैं। अब मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगी दूसरे बोल में और साथ ही इसके अंदर हम शामिल करेंगे ये 1/2 कप के जितना है पपाया का पेस्ट, जो कि मैंने बिल्कुल नॉर्मल से पपीता को छिलके के साथ ग्राइंड किया है और मैंने इसमें डाल दिए हैं 3 से 4 खाने का चम्मच, साथ ही हसब जायका नमक, मैं यहाँ पे 1 खाने का चम्मच यूज़ कर रही हूँ, आधे चाय का चम्मच जीरा पाउडर, आधे चाय का चम्मच काली मिर्च की पाउडर, आधे ही चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और इससे जो है हमारे मटन में बहुत अच्छा सा टेक्सचर आएगा, इसका कलर आएगा। 1 ही चाय का चम्मच कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, आधे चाय का चम्मच हम डालेंगे धनिया की पाउडर, 1 खाने का चम्मच डाल देंगे अदरक लहसुन की पेस्ट और 2 खाने का चम्मच नींबू का रस डालेंगे और 2 ही खाने का चम्मच इसमें हम डालेंगे दही, साथ ही 2 से 3 खाने का चम्मच काजू का पेस्ट डालेंगे। काजू के पेस्ट को मैंने बहुत फाइनली ग्राइंड किए हैं जिसकी वजह से ये ऐसी हो गई है, बिल्कुल हमें पाउडर के फॉर्म में चाहिए काजू का पेस्ट, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आखिर में शामिल कर लेंगे 2 खाने का चम्मच फाइनली चॉप की हुई प्याज, तो ये देखिए हमारे मटन अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसे हम रेस्ट पे रखेंगे 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे और 1 घंटे के बाद हमारे मटन बिल्कुल रेडी हैं। अब हमें चाहिए स्कीवर्स, मेरे पास हैं ये कुछ रॉड के स्कीवर्स, क्योंकि हमें गैस पे डायरेक्ट इसे हमें तंदूरी फ्लेवर लाने के लिए ऐसे करना है, तो इसलिए हमें रॉड की ही चाहिए। अब हम इसमें मटन के पीसेस को लगा लेंगे, बेसिकली जो है हम इसे कुक करेंगे गैस स्टोव के ऊपर। आप चाहें तो तंदूर में भी इसे कुक कर सकते हैं या फिर अवन में कुक कर सकते हैं। तो ये देखें एक स्टिक हमारे बिल्कुल रेडी है, वापस से हम दोनों स्टिक को वैसे ही रेडी कर लेंगे और इस टाइम पे आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और स्मोकी फ्लेवर देने के लिए आप कोयले को गर्म करके उसके ऊपर थोड़ा सा बटर या फिर ऑयल लगाकर उसे ढक के थोड़ा सा और स्मोकी फ्लेवर दे सकते हैं। मैं इसे बस ऐसे ही राइट अवे ही गैस स्टोव के ऊपर इसे कुक करूँगी, ऐसे भी इसमें बहुत अच्छा सा तंदूरी सा फ्लेवर आ जाता है। तो बस मीडियम लो फ्लेम है यहाँ पर और इसके ऊपर हम सारे स्कीवर्स को रखेंगे, और क्योंकि हमने इसमें पपीता का पेस्ट शामिल किया है तो ये बहुत जल्दी से टेंडराइज होगी, तो मैं एक तरफ से इसे 4 मिनट के लिए कुक करूँगी और वापस से ऐसे घुमा घुमा कर गैस स्टोव को अब मैं हाई कर ले रही हूँ, ऐसे ही घुमा घुमा कर इसे हम कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं देखी कि हमारे जो मटन है बहुत अच्छे से टेंडराइज हो चुकी है, यानी कि बहुत अच्छे से गल चुकी है, इसलिए मैंने हाई फ्लेम करके इसे ऊपर के मसालों को अच्छे से मैंने कुक कर लिया। अब नाउ गैस स्टोव को हम करेंगे बंद और ऊपर से हम बटर की बहुत अच्छी सी कोटिंग लगा देंगे, ताकि इससे जो है हमारे मटन के ऊपर बहुत अच्छा सा बटरी फ्लेवर आ जाए। जितना आपको बटर पसंद है, कम या ज़्यादा, आप अपने टेस्ट लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगा सकते हैं। तो बस ये रेडी हो गई हमारी बटर मटन टिक्का बोटी, अब इसे हम राइट अवे ही गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे।
तो साथ ही मैंने अनियन रिंग्स ले लिए हैं, नींबू ले ली है, धनिया की पत्तियां, और इसे राइट अवे ऐसे रखेंगे और हरी चटनी के साथ इसे गर्मा गर्म ऐसे ही सर्व करेंगे। करते हैं कानपुर का फेमस मटन सीख कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं मटन का खीमा जो कि 300 ग्राम है और इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, ये बिल्कुल फाइन सी होनी चाहिए। तो अब इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे एक बोल में और साथ ही इसमें हम स्पाइसेस शामिल करेंगे, एक चाय का चम्मच नमक, आधी चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चाय का चम्मच जीरा पाउडर, एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट और साथ ही हाफ कप ले लेंगे हम फाइन चॉप्ड की हुई बिल्कुल बारीकली अनियन को और इसे भी डाल देंगे, वन हैंडफुल कटी हुई हरा धनिया, एक खाने का चम्मच कटा हुआ हरी मिर्च और एक ही खाने का चम्मच कश्मीरी लाल, आधे चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधे ही चाय का चम्मच धनिया पाउडर और एक से दो खाने का चम्मच सरसों का ऑयल डाल देंगे और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब साथ ही हमें चाहिए एक प्लेट और साथ ही हमें एक बिल्कुल पतली स्टिक चाहिए, तो मैंने यहाँ पे चॉप स्टिक का यूज़ करा है। आप चाहें तो पाइप ले सकते हैं या फिर इस तरह की जो भी आपके किचन में टूल हो उसे ले लें। हाथों में हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और थोड़ा सा कीमा का हम पोर्शन ले लेंगे, एक बिल्कुल अंडे के साइज़ का, और उसकी बॉल्स बना लेंगे। तो ये देखें बेसिकली हमने सारे बॉल्स बना लिए। अब एक बॉल को हल्का चिकना करेंगे और चॉप स्टिक के ऊपर इस तरह से हल्का हल्का सा इस तरह फैलाते जाएंगे बिल्कुल लंबे साइज में। आप चाहें तो गोल टिक्की भी बना सकते हैं, क्योंकि हम सीख कबाब बना रहे हैं इसलिए हम इस तरह से बनाएंगे और आखिर में इस तरह से हम जैसे मार्केट में मिलती है बिल्कुल डिज़ाइन वाली वैसे हम कर लेंगे। और एक हमारा सीख कबाब रेडी है, इसे हम रखेंगे और सेम प्रोसेस से बाकी के भी सीख कबाब को हम वैसे ही बना लेंगे। तो यहाँ पे सारे सीख कबाब बनके बिल्कुल रेडी हैं। तो अब इसे हम करेंगे साइड और अब चूल्हे पे रखेंगे एक पैन, मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ ग्रिल पैन का, और उसमें मैंने 2 से 3 खाने का चम्मच डाल दिए हैं रिफाइंड की ऑयल, और हम बारी बारी करके जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम सीख कबाब को डाल देंगे और यहाँ हमें फ्लेम को मीडियम हाई रखने हैं, 1 मिनट तक हम ऐसे ही रखेंगे और अब हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और सीख कबाब को अब हम पलट लेंगे। अब 2 से 3 मिनट के लिए हम मीडियम लो फ्लेम पे इसे अच्छे से ऐसे ही कुक कर लेंगे और 3 मिनट के बाद फ्लेम को हम बिल्कुल लो करेंगे और ढक्कन डाल के इसे हम ऐसे कुक कर लेंगे ताकि सीख कबाब में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जूसीनेस आ जाए। तो पलट पलट के हर तरफ से हमने सीख कबाब को अच्छे से कुक कर लिया है। अब इस टाइम पे आप चाहें तो ऐसे ही इसे सर्व कर सकते हैं या फिर अगर आपको बिल्कुल तंदूर वाला फ्लेवर चाहिए तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टैंड रखे हैं, सारे सीख कबाब को इसके ऊपर रखेंगे हम और हाई फ्लेम पे इसे हम बिल्कुल हल्का सा तंदूरी फ्लेवर देने के लिए ऐसे सेक लेंगे, या फिर आप चाहें तो कोयले को गर्म करके इसमें स्मोकी फ्लेवर स्टार्टिंग में ही दे सकते हैं, जब हमने मसाले को कीमा के अंदर मिक्स किया तो उसी टाइम आप चाहें तो दे सकते हैं या फिर इस टाइम पे ऐसे दे सकते हैं।
इसे भी पलट पलट के हम हर तरफ से हाई फ्लेम पे, बिल्कुल इसे करने में हमें 30 से 40 सेकेंड लगे। इसे ये तो पहले से कुक थी, इसे हमें कुक नहीं करने हैं, तो बस ऐसे मैंने स्मोकी फ्लेवर देने के लिए ऐसे करा। तो बस ये रेडी हो गई हमारी सीख कबाब। लास्ट पॉइंट पे हमें सिर्फ एक चीज़ करनी है, वो क्या है कि छोटे पैन ले लें और उसमें बटर को आप गर्म करके मेल्ट कर लें, क्योंकि हम इसे बिल्कुल ढाबा स्टाइल बना रहे हैं तो सारी प्लेटिंग भी हम बिल्कुल ढाबे की तरह करेंगे। मोस्टली मैंने ढाबे वाले को ऐसे करते हुए देखा है, तो इसलिए मैंने इसे भी डाल दिया। और जब ऊपर से गर्मा गर्म सीख कबाब के ऊपर से बटर आती है तो उसका फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ये देखिए हमारा सीख कबाब बिल्कुल रेडी है। तो इसे मैंने सर्व किया ग्रीन चटनी के साथ, साथ ही थोड़े से अनियन और लेमन के स्लाइस। तो अगर से आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मटन अफगानी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 500 ग्राम मटन, जो कि बोन के साथ है, और इसमें काफी सारा मैंने फैट ले लिया है। तो इसे हम डालेंगे एक कुकर में। आप चाहें तो इसे पॉट में भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है। साथ ही हम इसमें एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे, टेस्ट के मुताबिक नमक डालेंगे। मैं यहाँ पे एक खाने का चम्मच यूज़ कर रही हूँ, और साथ ही 5 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने इस तरह से ऑमलेट कट कट कर लिए हैं, तो इसे हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे अगर आपके मटन में फैट नहीं है तो फिर 2 खाने का चम्मच आप घी डाल लें, या फिर आप रिफाइन की ऑयल भी डाल सकते हैं। साथ ही हम 1 बड़ी ग्लास इसमें पानी डाल लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक्कन डाल के इसे प्रेशर कुक करेंगे 2 से 3 सीटी के लिए, या फिर आप अपने मटन के अकॉर्डिंग लगाएं। मैं यहाँ पे पूरे 5 सीटी लगवाई मीडियम टू लो फ्लेम पे, और अगर आप पॉट में बना रहे हैं तो 40 से 45 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे कुक करें, या फिर इतना कि जब तक आपका मटन बिल्कुल अच्छे से गल ना जाए। तो जब तक हमारे मटन कुक हो रहे हैं, हम बाकी की चीज़ें रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 मुट्ठी ले लिए हैं हरा धनिया, और इसकी टहनी को भी मैं यूज़ करूँगी, और ये हमारे अफगानी मटन का मेन इंग्रेडिएंट है, जिसे पीस कर हमें एक अच्छा पेस्ट बनाना है। तो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं मिक्सी जार, और इसमें डालेंगे हम धनिया की पत्तियाँ पूरी 2 मुट्ठी, साथ ही 2 इंच के अदरक के टुकड़े जिसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिए हैं, 10 से 15 लहसुन की कलियां, और 6 से 7 हरी मिर्चे को मैंने 20 से कट कर लिया है, और इसे भी मैंने डाल दिए। और यहाँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज है जिसे मैंने मोटे मोटे स्लाइसेस में कट कर लिए हैं, तो इसे पीस कर हम एक अच्छा पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए हमारे पेस्ट बिल्कुल रेडी है। बीच में मैंने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी भी डाले थे, और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिए हैं। तो इसे अब हम निकाल लेंगे, तो इसे साइड करेंगे। और सेम इसी जार में हमें एक और चीज़ रेडी करनी है, तो उसके लिए हमें चाहिए 1 कप दही, 1 कप क्रीम, लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ घर की फुल फैट वाली मिल्क, जिसके ऊपर काफ़ी सारी बलाइयाँ हैं। बेसिकली हमें 1 कप क्रीम चाहिए और 1 कप दूध चाहिए। तो दोनों मैंने मिक्स कर लिए हैं, अब इसे भी हम हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखें ये भी रेडी हो चुकी है, इसे भी हम सेम इस मसाले में मिला देंगे, और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे, 1/2 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चाय का चम्मच जीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी, और 1/2 चाय का चम्मच काले मिर्च की पाउडर, 1/2 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ले लेंगे विनेगर या फिर नींबू का रस, और 1 चाय का चम्मच नमक डालेंगे। याद रहे हमने मटन में भी नमक डाले थे। साथ ही 2 बड़े खाने का चम्मच मैंने इसमें डाल दिए हैं रिफाइन का ऑयल, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे ढक के हम साइड करेंगे। और आए अब हम मटन को देख लेते हैं। तो मीडियम फ्लेम पे 5 सीटी लगवाने के बाद हमारा मटन अच्छे से कुक हो चुका है, बट इसमें काफ़ी सारी अभी ग्रेवी है, तो हाई फ्लेम करके मैं इस ग्रेवी को सुखा लूँगी। हमें बिल्कुल ड्राई सा चाहिए।
तो ये देखिए हमारे मटन की ग्रेवी काफ़ी अच्छे से सूख चुकी है। अब हम चूल्हे को करेंगे बंद और यहाँ वापस से आ जाते हैं जो हमने मसाले अभी रेडी किए थे उसमें हम डाल देंगे अपने मटन को। ये हो गया, अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने मसाले इस वजह से बहुत सारे बनाए हैं क्योंकि पहले हम मटन को फ्राई करेंगे और जो मसाले बच जाएंगे उसकी हम ग्रेवी बना लेंगे, क्योंकि इस अफगानी मटन में ग्रेवी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसे ढक के हम मैरिनेट करेंगे 1 घंटे के लिए, और अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप इसे राइट अवे भी बना सकते हैं। तो 1 घंटे के बाद मैं यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, और इस तरह से हम एक मटन को उठाकर हल्का सा ग्रेवी उसका उतार लेंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं रिफाइंड का ऑयल, और मीडियम हाई फ्लेम करके हम मटन को एक एक करके इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि मटन हमारे ऑलरेडी कुक हैं, हमें सिर्फ इसे फ्राई करने हैं, तो इसलिए मैं हाई फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। तो 1 से 2 मिनट के बाद हमारे मटन फ्राई होकर बिल्कुल रेडी हैं, तो इसे मैं टिश्यू पेपर पे निकाल ले रही हूँ। तो ये देखिए एक बैच निकल आई, और बाकी के जो हमारे मटन बच गए हैं उसे भी हम सेम वे में फ्राई कर लेंगे। अब इसे हम साइड करेंगे और जो मसाले हमारे बच गए हैं उसकी अब हम ग्रेवी बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने रख लिए हैं एक पॉट, और उसमें डालेंगे 2 से 3 बड़े खाने का चम्मच रिफाइंड का ऑयल, या फिर आप घी भी डाल सकते हैं। 2 डालेंगे तेजपात, 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, और इसको हल्का सा मीडियम फ्लेम पर हम सॉटे कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, और साथ ही जो हमारे मसाले बच गए हैं उसे हम डाल देंगे, अच्छे से चला लेंगे, और ढक्कन डाल के इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करेंगे। तो यहाँ पे हो रही है पूरी 18 मिनट, और यहाँ पे हमारे मसाले अच्छे से कुक हो चुके हैं, हमारी ग्रेवी बिल्कुल डन है, और इसके ऊपर काफ़ी सारा ऑयल आ चुका है। तो अच्छे से मिक्स करेंगे, और जो हमने अभी मटन को फ्राई करके रखे थे उसे हम इसमें डाल देंगे, और इसे भी हम अच्छे से चलाएंगे, और ढक्कन डाल के लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए और इसे कुक करेंगे। तो 6 मिनट हो चुके हैं, मैंने कर दिया है फ्लेम को बंद। अब इसे हम अच्छे से चला लेंगे, और इसी में हम थोड़ी सी जगह बना लेंगे कटोरी रखने के साइज़ के, या फिर आप एल्यूमिनियम फॉल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने रख दिए हैं एक स्टील की कटोरी, और उसके ऊपर मैंने 2 कोयले को डाल दिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने डाले रिफाइंड की ऑयल, और इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे। ये स्टेप करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमारा अफ़गानी मटन काफ़ी रिच सा फ्लेवर लगता है। तो कोयले का धुआं आप ज़रूर से दें। अब इसे हम डिस आउट कर लेंगे। थोड़ा सा हम अनियन रिंग्स डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, और धनिया की पत्तियां से इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे नान के साथ या फिर चावलों के साथ। तो ये रेडी हो गई हमारी आज की बकरा ईद स्पेशल रेसिपी, मटन अफगानी ग्रेवी। तो इस बकरा ईद आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने घर वालों की तारीफ़ें बटोरें। तो अगर से आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।